Happy birthday to you. Oh, what the hell? It's just me. Welcome back to another video. आज है 20 अक्टूबर और कल है 21st, obviously. So 21st को है मेरे भाई का बर्थडे. तो मेरी मम्मी गई हुई है मेरे भाई को लेके बाहर फॉर शॉपिंग उसके बर्थडे के लिए obviously. और मेरे भाई का बर्थडे मैंने उसे कहा तो है कि तेरे लिए सरप्राइज है, बट वो सरप्राइज कुछ मैं भी नहीं बता सकती, वो आपको वीडियो के दौरान पता लगेगा. वैसे तो मैंने सोचा था कि वो सरप्राइज मैं अभी कर लेती हूँ, बट अगर वो मैंने अभी किया तो वो ख़राब हो जाएगा प्रॉपर. सो मेरे को शाम को एटलीस्ट लाइक 6 बजे तक मुझे मम्मी ने कुछ काम दिया, तो पहले मुझे वो काम फिनिश करना है, दैट इज़ कपड़े धोने का काम. तो 6 अभी तो 5 बज रहा है, तो 6 बजे मैं जाऊँगी कपड़े धोने, 7:30 मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे तक आई विल गेट फ्री. 8 बजे के बाद मैं फटाफट से नीचे आके फटाफट से उसके प्रिपरेशन करने लगूंगी वो चीज़ की जो मुझे करनी थी. एंड अभी तो मुझे लग रही है बहुत भूख क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया है. सो मेरे पास है हर्षी सिरप, दूध, चीनी एंड सम कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा एक दो चीज़ें और पड़ी होंगी वो. सो मे बी मैं एक चॉकलेट मिल्क शेक बना लूँ, डोंट नो. सो मैं भी जा रही हूँ चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए. सो सी यू गाइस, बाय. तो गाइस मेरा हो गया है काम. तो अभी मेरे को जो मम्मी ने बोला था कि शाम के कपड़े धो लेना, वो मैं धो लेती, बट एक चीज़ हो गई वो है कि मेरी दादी ने ऑलरेडी मशीन लगा ली है, सो मैं आज नहीं धो सकती कपड़े. तो अभी मेरे जैसे मेरे भाई का बर्थडे और मैंने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करने का उसे बोल दिया ऑलरेडी, तो अगर उसे वो सरप्राइज़ नहीं मिलेगा तो फिर ही फील बिट्रेड. तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, एंड जैसे वो सामान आएगा आई लेट यू गाइस नो कि वो सरप्राइज़ है क्या. I'm back with all this stuff. इसे मैं रखने के चलने. And as soon as I'm back, सबसे पहले तो मास्क उतार के अलमारी में स्टोल भी एंड देन सैनिटाइज अच्छे से. And now finally as I'm back, I'm gonna change into my pajamas and फटाफट से केक बनाने चलते हैं. जैसे हमारे किचन में ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मुझे मिक्सी यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, हटा देनी चाहिए थी एंड ऑल. तो गाइस मैं बिना कुछ सोचे भी इसको यहाँ रखा हुआ है. सो मेरे पास है 5 ओरियो का पैकेट, 6 इनो का पैकेट, 2 मेरे पास है जैम्स, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं अभी. आई एम नॉट श्योर कि ये केक की रेसिपी सबने देखी है या सबने नहीं देखी है, बट होपफुली यू आर गोना लाइक इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द रेसिपी. ओके सो लेट्स स्टार्ट. पहले हमें चाहिए हैं 2 या आई एम यूजिंग सिंगल बाउल नाइफ. ऑल्सो इस रेसिपी में मैं हर्षी सिरप यूज करने वाली हूँ. यू गाइज कैन ऑल्सो प्रेफर यूजिंग एनी ऑफ द अदर चॉकलेट सिरप्स अगर आप जान अगर आपको पता है कोई आपके घर में है कोई, इट्स मेक्स नन ऑफ द डिफरेंस. तो पहले मैं ओरियो की क्रीम और बिस्किट को अलग करूंगी. इसको हमेशा ब्रेक करके डालना, सो इट्स ईजियर कि फटाफट से सारा जो ये है वो बिस्किट जल्दी से क्रश हो जाए और टाइम कम लगे. सो यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट. एक को ब्रेक करके डाला, फक लाइट चली गई है गाइस, और ऐसे करके क्रीम निकाल लेनी है. इट्स द सेकेंड और प्रॉबेबली थर्ड टाइम अ डे आज कि 2-3 बार लाइट चली गई है, पता नहीं क्यों. एंड इट्स बैक. देर माइट बी सम इशू बाहर, जब मैं गई थी तब तो आई हैवन सीन कि कोई हमारे यहाँ
इंजीनियर्स आ रखे हों फॉर रिपेयरिंग या कुछ। ये जो केक है, ये केक का मेरा भाई फैन है एंड मुझे यही वाला बनाना था। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक या बेकर नहीं, क्या बोलते हैं, शेफ भी यूज़ कर लेते हैं, मेरे को भी वर्ड याद नहीं आ। तो मेरे को शेफ वगैरह तो हूँ नहीं जिसको प्रोफेशनल वाला केक बनाना आता हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक माई ब्रदर हैप्पी। वो तो मम्मी के साथ बाहर है, उसे आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है घर में। सो इट इज़ ऑल्सो सरप्राइज जो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि सरप्राइज क्या है, तो यही वो सरप्राइज है। मैं बहुत बड़ी एक्सपोर्ट तो हूँ नहीं ये सब करने में, बट आई ट्राई और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इस छोटू सरप्राइज को भी बहुत स्पेशल कर सकूँ। अभी आई थिंक मैं रूम डेकोरेट करूँगी, आई थिंक, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम बचने वाला है। तो लाइक लेट्स सी क्या होता है। हाथ बड़े गंदे हो जाते हैं गाइस ये वाला काम करने में, सारा जो बिस्किट का चूरा वगैरह होता है स्टिक हो जाता है। वैसे तो आई वाज सपोज टू मीट माय फ्रेंड्स आज, बट आई थिंक कि मैं उनसे शायद ना मिल पाऊँ, और मैं भी मिलूँगी तो आई थिंक कि मैं उनको जल्दी एक डेढ़ घंटे में भगा दूँ, भगाना इन द सेंस भेज दूँ उनको उनके घर वापस, बिकॉज फिर मुझे ऊपर आके ये सरप्राइज भी सेट करना है। एंड आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास कैंडल्स हैं, सो बहुत सारा काम पड़ा है। आई थॉट कि मैं इस केक को एच शेप में बनाऊं, बट वो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर मैंने वो करा तो जो सारा केक है वो ख़राब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वैसा कुछ हो। और मैं इसे सर्कल में ही बेक करूँ क्योंकि हमारे पास सर्कल शेप का ही माइक्रोवेव बाउल है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। बस अभी मैंने 3 पैकेट छील लिए हैं, अब आई एम मूविंग ऑन टू द 4th एंड 5th पैकेट। काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं इस रेसिपी में, तो मैंने बस एक ही बार इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखे, बनाने की कोशिश करी। फर्स्ट टाइम में मेरा केक बन गया था बिल्कुल परफेक्ट, बट एक रीज़न ये भी था कि इनो मुझे नहीं पता था कब डालना है, तो इनो को हमेशा लास्ट में डालते हैं, लाइक ऑब्वियसली लास्ट में इन द सेंस के मतलब पूरी प्रिपरेशन होने के बाद कि आप लोगों ने अपने पैन में ऑयल की या बटर की लाइनिंग कर ली है, बस आपको अपने बैटर को पोर करके उसे बेक में रखना है। इस टाइम से पहले ही आपको ये करना है गाइज। अगर आज ये लाइट आती जाती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरा केक ऑन टाइम प्रिपेयर हो पाएगा, क्योंकि ये चौथी बार लाइट चली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट कट रही है, बट कट के आ रही है, विच इज लाइक पसंद नहीं है मुझे ऐसा, क्योंकि पावर एकदम से फिर एमसी खींचता है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है इस वजह से, क्योंकि हमारा एक तो एसी चल रहा है इस टाइम एंड हमें नहीं पता कि ऊपर वाले और नीचे वाले फ्लोर में भी कुछ काम चल रहा हो, सपोजिटली हैवी पावर वर्क चल रहा हो पूरे घर में एंड शॉर्ट सर्किट कर जाए तो प्रॉब्लम तो हमें ही होगी, पैसा तो हमारा ही जाएगा, बिना मतलब खर्चा हो जाएगा ये। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब ध्यान से काम करे बाहर,
तो बस ये मैंने हो गया लास्ट। और ये हो गया तो गाइस हमें इनको ऐसे ही क्रश नहीं करना, इसके अंदर हमें शुगर भी ऐड करनी है। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ 1, 2 और 3 चम्मच चीनी। हम केक में ज़्यादा चीनी इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज बिस्किट ऑलरेडी स्वीट होते हैं। फिर हम इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड करेंगे, इसकी क्रीम भी ऐड करेंगे। तो सपोजिटली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शुगर लेस कर सकते हो। एंड अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओरियो बिस्किट एंड शुगर है जिसे मैं क्रश करूँगी। छोटे बच्चे बिल्कुल ना करें, अपने साथ एक एडल्ट रखें। देख लेते हैं एक बार, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं अगर ये अच्छी तरह से पाउडर हुआ है या नहीं। आपको एक भी बिस्किट नहीं छोड़ना गाइस, एक भी बिस्किट छूट जाएगा दैट इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम हम सब, मतलब आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पे भी, बिकॉज एक बार ही मेरे बिस्किट अच्छे से क्रश नहीं हुए थे सो मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी खराब हो गई थी। ओह गॉड ये खुल नहीं रहा। अंदर है ना गैस क्रिएट हो जाती है, उस वजह से ये खुलता नहीं, तो मैं इसे खोल के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस फाइनली जारो खुल गया है और इसके बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, एकदम पाउडर जैसी, लेकिन आप लोग देख सकते हो। सो अब हम इसे इसमें पोर करने वाले हैं, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फोन थोड़ा नीचे रख देती हूँ। गाइस केक इज़ रेडी, अब मैं इसे डाल रही हूँ बेक करने के लिए। ये मैंने रख दिया है टैप, अभी टैप कर लेना गाइस अच्छे से, ऐसे बबल्स बर्स्ट कर देना वरना फिर आपका जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। सो देखते हैं अब क्या होता है। इसका टाइमर लगाऊंगी 5 मिनट्स पे। एंड स्टार्ट गाइस, केक इज़ रेडी एंड ये मेरे हाथ में टूथपिक है। केक निकालने से पहले एक बार टूथपिक को इसके अंदर डाल के देख लो इफ इट्स प्रॉपरली बेक्ड।
तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी टूथपिक साफ है, दैट मीन्स द केक इज़ ऑलरेडी। सो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू इन द किचन। सो गाइस, बिफोर कि आप अपने केक को ट्रांसफ़र करें दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी प्लेट में निकाल के डेकोरेशन स्टार्ट करें, आप उसको पहले रख दो, इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दो। अगर आप इसे गरम गरम निकालने की कोशिश करोगे ये टूट सकता है, तो वो चांस बिल्कुल नहीं लेना। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि फटाफट ठंडा हो जाए। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है बट इसका बाउल अभी गर्म है, सो आई जस्ट वॉन्ट कि इसका बाउल भी ठंडा हो जाए, सो दैट आई हैव अ सेफर साइड के हाँ केक आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो बाउल का बॉटम होता है वो ठंडा होना ज़्यादा ज़रूरी है देन द साइड्स, क्योंकि जो बॉटम है अगर वो चिपक जाएगा तो आपका जो टॉप लेयर है जिसको आपको डेकोरेट करना है वो बॉटम होता है जो फ्लिप होकर आपका ऊपर आ जाता है। सो आपकी डेकोरेशन फिर अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज वो केक टूट जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, बेकिंग इज़ नॉट ईजी। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड जैसे कि मैंने बिल्कुल पेशेंस के साथ अच्छे से नाइफ एंड स्पून का यूज़ करके केक निकाला, इसका थोड़ा सा आप ये देख सकते हो ये छूट गया, बट द गुड थिंग बीइंग कि एकदम फ्लैट केक आया है विच इज़ लाइक ऑसम। सब मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ, सो सी यू गाइस आफ्टर द डेकोरेशन। डेकोरेशन ऐसी लग रही है और मैंने इस हर्शी सिरप का यूज़ किया है। दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट, सो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत स्लो मोशन दिखा देती हूँ इफ पॉसिबल। फ्रिज में एज यूजुअल, एंड अब मम्मी अगर बाय चांस फ्रिज खोलेगी तो उन्हें दिखने वाला है द केक। सो सबसे पहले तो ये बर्तन ये मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सरप्राइज अब सरप्राइज नहीं रहा है। आई थिंक मेरे भाई को शक हो गया है कि मैंने उसके लिए केक प्रिपेयर करा है बिकॉज वो पूछ रहा था। सो इट्स बेटर कि अभी सीक्रेट को एक सीक्रेट ना रखे, इसे नॉर्मल रखते हैं। एंड मम्मी आने वाली घर पे, और उससे पहले तो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, वाईफाई ठीक करने के लिए एक भैया आ रहे हैं। सो मेरी बहन उस भैया को देख लेगी इन द सेंस कि मतलब शी विल टेक केयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग हेयर। एंड तब तक मैं सिम्बा को लेके जाऊंगी छत पे, विच इज रियली फोन ऑफ सिम्बा छत पे चलेगा बाद में चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना, थोड़ी देर में चलेंगे। तो बस जैसे भैया आने वाले होंगे तो मैं सिम्बा को पढ़ ले जाऊंगी। सो सी यू गाइस। मेरी मम्मी आ चुकी है वापस भाई के साथ। अभी मैं सिम्बा को छत पे राउंड लगवाने के लिए आई हुई हूँ एंड मम्मी मेरे लिए चावल लेके आई थी बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने वो खा लिया है। एंड नाउ वी गोना गो डाउनस्टेयर्स। भाई आ चुका है, लेट्स सी हिज रिएक्शन ऑन द केक दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। आई हैव टू डू द लॉन्ड्री। एंड सो गाइस अभी बज रहे हैं 8 एंड आई एम हियर टू डू द लॉन्ड्री, क्योंकि कल बहुत बिजी दिन होने वाला, कल एंड परसों भी है ना, गाइस दिस वीक इज़ एंटायरली गोना बी बिजी। एंड फॉर योर कन्फर्मेशन गाइस, मैंने अपनी स्कूल क्लासेस बिल्कुल नहीं ली है फ्रॉम द लास्ट 4 days, आई गेस 4-5 days। तो उसके लिए आई हैव टू मेल टू द स्कूल, विच आई विल बी टॉकिंग टू माई क्लास टीचर अबाउट आफ्टर सम टाइम। एंड इट्स क्वाइट अ गुड टाइम हैव डूइंग लॉन्ड्री बिकॉज कपड़े धोते टाइम का जो अलोन टाइम होता है हमारे पास, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक ऑन, सो आई लव दिस टाइम बिकॉज आई एम ऑल अलोन ओवर हियर।
सो नाउ आई एम गोना कंप्लीट विद द वर्क. मेरे भाई को अभी तक आइडिया नहीं है अबाउट द केक, सो आई एम गोना क्विकली वॉश अप एंड देन वी विल गो डाउन. सो बाय. तुमने इतने लाखों रुपए लगाया है तो फिर किस जगह पे आप कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे अर्शिल. कोरियन के टाइम से खालो ना पूरे खालो. जल्दी खाओ. मैं फिर खाओ जल्दी पहुंच गए. पकड़ खा उस. हां तो मुझसे बात ही नहीं करी. सिंग इट थ्रू किंग हर हर्षी पूरे 10 सेकंड. हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे को छोड़ो मत. और दी बार बार दिन ये आए बार दिल हजारों साल मेरी है. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. सपना सुन. हैप्पी बर्थडे टू. हैप्पी बर्थडे सपना सुन. और